Hello students, how are you all? I hope you all are well and you have enjoyed your holidays. So now it's time for study. I hope कि आप लोगों ने अपना holiday homework complete कर लिया होगा. Most of students का holiday homework मेरे पास आ गया है. जिनका नहीं आया, so submit it. और आज हम चलते हैं हमारी आज की class पे. Yes students, we have done chapter 1 smile. And today we will start the chapter 2, The Hidden Sun. The Hidden Sun, as you can see from the name. जैसे कि आप नेम से ही देख सकते हो कि इस स्टोरी के अंदर सन क्या है, हिडन है. अब उस हिडन सन को इस स्टोरी के अंदर क्या किया जाता है, उसे बाहर बुलाने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं. किसके द्वारा? एनिमल्स के द्वारा. और कौन सक्सेसफुल होता है? लेट्स सी इन द स्टोरी. See, firstly we'll start with a warm-up part. All these animals live in the forest together. You can see here, 2, 3, 4, 5 animals are there. They are very good friends. वो क्या हैं? बहुत good friends हैं. Complete the animals and color them. What you have to do? You have to complete the picture of all these animals and color them. What animal are they? और वो कौन से animals हैं? You have to write their names also. It's your homework. Okay? Now come to our story. See, long, long ago, the sun hid behind a hill and there was darkness everywhere. Yes, students, क्या हुआ? Sun hid हो गया, छिप गया. कहाँ? Behind a hill. एक hill के पीछे. और जब सन हिड हो जाएगा तो क्या होगा? जब सन अपने आप को हाइड कर लेता है तो एवरीवेयर क्या हो जाएगा? डार्कनेस. तो क्या हो गई? डार्कनेस हो गई. द डियर कुड नॉट सी द टाइगर्स. डियर किसको नहीं देख सका? टाइगर को. द एलिफेंट्स बम्प्ड इनटू ट्रीज. एलिफेंट्स किस में बम्प हो गया? ट्रीज में. बम्प्ड इंटू मीन्स हिट समथिंग विदाउट नोइंग. जब आपको पता ना चले और आप किसी के बीच में टकरा जाओ, दैट इज कॉल्ड बम्प्ड इंटू. एंड द रैबिट्स हॉप्ड ओवर द लायंस. और रैबिट किसके ऊपर जंप करने लगा? लायन के ऊपर. हॉप्ड मीन्स टू जंप विद वन फिट. ओके. There was confusion everywhere. हर तरफ क्या थी? Confusion थी. Confusion means no one knew what to do or think. जब किसी को ना पता चले कि क्या करें. The animals had a meeting. तो animals ने क्या किया? एक meeting करी. बच्चा meeting क्यों करते हैं? जब कोई problem आ जाती है और उसका solution निकालने के लिए जब सब एक साथ कलेक्ट होते हैं और अपने अपने व्यूज देते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड मीटिंग. दे वांटेड टू डिसाइड हु वुड कॉल आउट टू द सन. आई विल कॉल आउट टू द सन. वो क्या डिसाइड करना चाहते थे? कि सन को पहले कौन बुलाएगा. I will call out to the sun. मैं सन को बुलाऊंगा. किसने कहा? Let's see. The lion decided to call out to the sun because he was the king of the forest. सबसे पहले किसने डिसाइड किया कि मैं सन को बुलाऊंगा? लायन ने. क्यों? Because he was the king of the forest. क्योंकि वो फॉरेस्ट का क्या था? किंग था. अब वो किंग था तो उसे ये लगा कि मैं किंग हूं तो पहले मुझे बुलाना चाहिए. किसको? सन को. द लायन रॉड एंड कॉल्ड द सन. लायन ने क्या किया? लायन ने धारने की आवाज निकाली. दिस इज द वॉइस ऑफ लायन. एंड कॉल्ड द सन. और सन को बुलाया. सन सन प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम अस. हमसे भागो मत. Come back and shine on us.
वापिस आओ और हमें शाइन करो. बट द सन डिड नॉट लिसन टू द लायन. लेकिन सन ने लायन की नहीं सुनी. नाउ इट्स अ टाइम फॉर यस. चेक योर अंडरस्टैंडिंग. वेयर वॉज द सन हाइडिंग. सन कहाँ छिपा था? थिंक थिंक. यस, बिहाइंड द हिल. हाउ डू यू फाइंड योर वे वैन इट इज डार्क एंड यू कैन नॉट सी क्लियरली. सपोज करो बच्चा कि अंधेरा है और आप अपना रास्ता कैसे ढूंढोगे? आप थिंक करो, ठीक है? जब मैम आपकी लाइव क्लास लेंगे ना तब आप बताना, ओके? अब स्टोरी में क्या हुआ? क्या एक्चुअल में सन आया? आया तो किसके बुलाने पे आया? विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.